So this is the last concept of chapter probability, that is Bayesian theorem. अब इसके fundamentals क्या है? Let's say we have a sample space which we have represented by a rectangle. There are a1, a2, a3, a4, a5, five mutually exclusive exhaustive events on this sample space. तो हमारे पास ये probability के terms होंगे p of a1, p of a2, a3, a4, a5. तो इन प्रोबेबिलिटीज का एक नाम है, ओके, दीज आर नोन एज प्रायर प्रोबेबिलिटीज. प्रायर मतलब पहले से ही पता होती हैं ये प्रोबेबिलिटीज. देन ये भी हमको पता होगा प्रॉब्लम्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन a1, ई गिवन a2, ई गिवन a5. अब ये ई क्या है? ई कोई भी इस सैम्पल स्पेस का एक इवेंट हो सकता है. ये ऐसी चीज़ें हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी देखी थी. तो ई गिवन a1, ई गिवन a2, ऐसे टाइप के प्रोबेबिलिटीज को बोला जाता है लाइकलीहुड्स. यूजुअली बेजियन प्रॉब्लम्स में हमको ये निकालना होता है टर्म, प्रॉबिलिटी ऑफ a1 गिवन ई, a2 गिवन ई एंड a5 गिवन ई. ये जो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे उनका अकरेंस, उनका प्रॉबिलिटी हमको निकालना होता है जब ई अकर हो चुका. तो इसको बोला जाता है पोस्टीरियर प्रॉबिलिटीज. तीन टाइप के प्रॉबिलिटीज इसमें होंगे, लाइकलीहुड्स, प्रायर प्रॉबिलिटीज एंड पोस्टीरियर प्रॉबिलिटीज. Now we have seen this multiplication theorem, conditional probability. Probability of A given B is probability of A intersection B upon probability of B. Probability of B given A is probability of B intersection A divided by probability of A. यहाँ से हम लोग ये intersection का term निकालें तो ये term यहाँ पर shift करना पड़ेगा, ये equation आएगी. Probability of A intersection B is probability of A given B into probability of B. Similarly यहाँ से भी हम लोग B intersection A की probability का term निकालेंगे, वो होगा B given A into probability of A. तो एक साथ हमने इसको लिख दिया. ये रिजल्ट आप याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे किया गया है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जो भी नीचे का टर्म दिख रहा है उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो. ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन थेरम है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन गिवन ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ए वन को इंटरचेंज कर देंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन. यही थ्योरम हमने यहाँ पे लगा दिया. तो ए वन गिवन ई का प्रोबेबिलिटी क्या लिखा जा सकता है? ये टर्म हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, पी ऑफ ई नीचे आ गया. अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इवेंट ई का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अगर आप लगाओ तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कंडीशनल के टर्म्स में ब्रेक करके, ई गिवन ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन, ई गिवन ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू अप टिल ए फाइव. And this is the final formula of Bayesian probability. Left hand side में क्या दिख रहा है? Posterior probability. E given A1, E given A2, ये वाले जो probabilities है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Likelihoods. और ये probability of A1, A2, A3, A4 ये क्या है? Prior probabilities. तो तीनों probability के terms आपको दिख रहे हैं. पोस्टीरियर निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रायर एंड लाइकलीहुड्स.